हिमाचल प्रदेश में फिर से कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 126 नए मामले सामने आए। ये साल के पहले दिन दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामले हैं। ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामले 500 तक पहुंच गए। वहीं कोरोना के साथ साथ H3N2 की दस्तक को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कांगड़ा जिले में एक छोटी बच्ची में H3N2 के लक्षण पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के सभी CMO व BMO के साथ बैठक कर एडवाइजरी जारी कर जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सभी अस्पतालों को एहतियात बरतने को कहा गया है। वहीं कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि विभाग प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सभी विभाग अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने लोगों से मास्क पहनने की अपील करते हुए कहा कि लोग भीड़ वाले क्षेत्रों में मास्क का उपयोग करें। सभी लोगों से, विशेषकर अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी से और सभी उन लोगों से जिनको जाना पड़ता है भीड़ वाले इलाके में, प्रार्थना है कि दे स्टार्ट वेयरिंग मास्क इन जापान। दे स्टार्ट वेयरिंग मास्क द मोमेंट दे हैव एनी फ्लू और एनीथिंग, यू नो, कोल्ड बैड कोल्ड और व्हाटएवर। तो इसको पहनने में शर्म नहीं है और पहनने में हमारे को हमारी जो है वो तो उसका टेस्ट भी होगा कि हम कितने अवेयर अबाउट आवर ओन हेल्थ। इसलिए हमें जब जगह पे ये निर्देश भी दिए जा चुके हैं, एडवाइजरी इशू कर दी, बड़े सख्त शब्दों में कल हमारे सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हुई थी, हमारे सेक्रेटरी साहिबा श्रीमती मैम सोधा देवी जी ने अटेंड की और इन्होंने सारी चीजें यही बताई कि हम लोगों को अवेयर होना है। वहीं स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने कहा कि प्रदेश में नए वेरिएंट और कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखे हुए है। IICMR की नई गाइडलाइन के तहत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज प्रदेश के सभी CMO व BMO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर हर स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आज से प्रदेश में सैंपलिंग बढ़ा दी जाएगी जिससे ज्यादा से ज्यादा मामलों को ट्रेस किया जा सके। स्पेशली जो भी हॉस्पिटल विजिट करते हैं, जो भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की स्टाफ हैं हॉस्पिटल्स में, उनको ये कहा गया है कि ये अनिवार्य है मास्क पहनना, बिकॉज वहाँ से फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसी वजह से हमने ये एडवाइजरी निकाली है। आज भी जो ICMR की गाइडलाइंस अभी कल आई थी वो भी सबको भेज दिया गया है। उसमें एक दो एडिशनल एडवाइजरी है जिसमें क्राउडेड प्लेसेस में या कहीं जाएंगे तो वहाँ पे भी मास्क पहनना ज़रूरी है। हमारी एडवाइजरी में सीनियर सिटीजन और पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज का था, अभी हमने सबको बोल दिया है जहाँ पे भी कंजेस्टेड होंगे वहाँ पे मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सीजन है, ये इन्फ्लुएंजा की सीजन भी होती है, आपको पता है कि वो बीमारी बढ़ती है और यहाँ हिमाचल ही नहीं सारे स्टेट्स में इसका बढ़ोतरी हुई है। तो हम भी उसी नमूने पे चल रहे हैं, जो स्टेट में जो एवरेज है उसी हिसाब से हम भी चले हैं। तो इसका स्पेशल कारण तो बताया नहीं जा सकता है। बहरहाल सरकार के मुताबिक कोविड से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन अचानक से पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के आंकड़ों ने सरकार को टेंशन दे दी है। अब देखना होगा कि कैसे सुक्खू सरकार इस पर काबू पाती है। We'll be right back.